चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जाएगा। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। विदेश से मंगवाई गई मिट्टी से खाद तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर चरखी दादरी में पहला बायो डायनेमिक कन्वर्टर BDC प्लांट स्थापित किया गया है। देखिए रिपोर्ट। DAP खाद से मिलेगी मुक्ति, विदेशी तकनीकी से लहराएगी खेती। विदेश से मंगवाई गई विशेष प्रकार की मिट्टी, अब बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जाएगा। इस जमीन पर अब फसल लहराएगी। पानी की कमी से जहां जमीनें बंजर होती जा रही हैं, वहीं वैज्ञानिकों ने जमीन को उपजाऊ बनाने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। बंजर जमीन को विदेशी तकनीक से तैयार होने वाली बायो ऑर्गेनिक खाद से लहराया जाएगा। खाद तैयार करने के लिए विदेश से विशेष प्रकार की मिट्टी मंगवाई गई है। तो देश का पहला बायोडायनेमिक कन्वर्टर BDC प्लांट हरियाणा के चरखी दादरी में स्थापित हुआ है। मुंबई के युवाओं के द्वारा तैयार होने वाली खाद पूर्ण रूप से बायो ऑर्गेनिक खाद होगी। इस खाद से फसलों की पैदावार बढ़ेगी और किसानों पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा। वहीं लोगों को रसायन मुक्त उत्पाद मिल सकेंगे। इस प्लांट में जैविक खाद बनाने के लिए पराली का भी प्रयोग किया जाएगा। ऐसे में किसानों से पराली भी खरीदा जाएगा, जिससे पराली जलाने की समस्या का समाधान भी होगा। वहीं गौशालाओं में आय की वृद्धि होगी और बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। भिवानी में पेयजल की भारी कमी है, क्योंकि जलघर खाली पड़ा हुआ है। जल में पानी 13 मई तक पहुंचेगा। पानी को लेकर 3 दिन लोगों के लिए काफी भारी है। देखिए रिपोर्ट। 3 दिन लोगों के लिए भारी, क्योंकि जलघर है खाली। 13 मई तक पहुंचेगा पानी। भिवानी में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। 3 दिन भिवानी वासियों के लिए भारी हैं, क्योंकि जलघर पूरी तरह से खाली है। शहर की एक तिहाई आबादी को महम रोड स्थित पुराने जलघर से पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन अब जलघर में ना मात्र का पानी रह गया है और ट्यूबवेल और रोहतक रोड स्थित निनाड जलघर से वैकल्पिक व्यवस्था करके थोड़ा बहुत पानी शहरवासियों को दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि जलघर में 13 मई तक पानी पहुंचेगा। जलघर में जो पानी बचा है वो खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में पुराने जलघर से जुड़ी 2 दर्जन कॉलोनियों में पानी की भारी किल्लत है। विभाग की ओर से कई जगह तो टैंकरों से पानी मुहैया करवाया जा रहा है, लेकिन पानी की आपूर्ति के लिए कॉलोनी वासियों के लिए इतना काफी नहीं है। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पानी की कमी को देखते हुए पहले ही पानी की राशनिंग कर रखी है, लेकिन ताजा हालात ने उनका भी गणित गड़बड़ा दिया है। नहरों में आमतौर पर 32 दिन तक पानी आता है, लेकिन अब की बार 34 दिन बाद भी पानी मिलने की उम्मीद है। यहाँ भीषण गर्मी के चलते पानी की खपत भी बढ़ चुकी है। वहीं पानी की कमी लोगों के लिए आफत बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं गर्मी बढ़ते ही डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सोनीपत के नागरिक अस्पताल में रोज 200 मरीज पहुंच रहे हैं। जहां मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं अस्पतालों में सुविधाओं की भारी कमी है। देखिए रिपोर्ट। डायरिया की चपेट में लोग, अस्पतालों में मरीजों की लगी भीड़। रोज 200 मरीज पहुंच रहे OPD। गर्मी पूरे प्रचंड पर है। गर्म हवा और लू से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, तो वहीं डायरिया भी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। गर्मी की वजह से डायरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नागरिक अस्पताल की ओपीडी में फिजिशियन के पास आने वाले 80% मरीज उल्टी दस्त से पीड़ित हैं। रोज 200 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब शामिल हैं। डॉक्टरों की माने तो सर्दी की अपेक्षा गर्मी में डायरिया के मरीजों की संख्या ज्यादा होती है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए डायरिया से बचने के लिए खानपान पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जंक फूड, बासी खाना खाने से बचें। इसके साथ जितना हो सके लिक्विड लें और स्वच्छ पानी पिएं। अस्पताल में जहां मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं अस्पतालों में सुविधा की भारी कमी है।
मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लाइनों में खड़े होकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अस्पताल में नागरिकों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जिस गैलरी में मरीजों की लाइन लगती है वहां ना ही कोई पंखा लगा है और ना ही कोई बेंच। हालात ये हैं कि मरीज पहले से और ज्यादा बीमार है और अस्पताल पहुंचने पर उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और अब आपको लाल और पीले रंग के तरबूज के स्वाद भी चखने को मिला। करनाल के सीईवी के ऑर्गेनिक फील्ड में तरबूज की दो किस्मों का फसल ट्रायल किया गया, जिसके बाद अब किसानों के पास तरबूज के दो विकल्प होंगे जिससे वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। तरबूज के दो किस्मों का पैदावार, बाहर से रहेगा पीला अंदर से लाल, बाहर से रहेगा हरा अंदर पीला। अगर आप तरबूज खाने के शौकीन हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि तरबूज की और वैरायटी देखने को मिलेंगी। अभी तक आपने बाहर से हरा और अंदर से लाल तरबूज देखा होगा, लेकिन अब आपको बाहर से पीला और अंदर से लाल तो बाहर से हरा अंदर से पीला तरबूज भी खाने को मिलेगा। करनाल के सीईवी के ऑर्गेनिक फील्ड में तरबूज की दो किस्मों का सफल ट्रायल किया गया है। सब्जी विशेषज्ञों ने इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र पर तरबूज की दो किस्मों की पैदावार की है। तरबूज की नई किस्मों के सफल ट्रायल के बाद अब किसानों के पास तरबूज के दो नए विकल्प होंगे। ऑर्गेनिक फील्ड में फरवरी में तरबूज की नॉर्मल वैरायटी मैक्स के साथ साथ तरबूज की नई किस्म अनमोल और विशाला लगाई गई थी। अनमोल वैरायटी का तरबूज बाहर से हरा है और अंदर से पीला है, जबकि विशाला किस्म का तरबूज बाहर से पीला और अंदर से लाल है। दोनों किस्मों के डेमोंस्ट्रेशन के लिए ओपन फील्ड में चार मिट्टी के बेड तैयार किए गए थे। प्रत्येक बेड में लगभग 270 पौधे लगाए जा सकते हैं। करीब ढाई महीने की प्रक्रिया के बाद तरबूज तैयार हो चुका है और पहले ही ट्रायल में अच्छी गुणवत्ता का फ्रूट मिला है। विशाला वेरायटी का फ्रूट साइज सामान्य तरबूज के मुकाबले थोड़ा छोटा है, जबकि अनमोल वैरायटी का आकार लंबा है। भाइयों के लिए फायदा इसलिए होगा कि ये जो वैरायटी है इनमें हमें प्राइस अच्छा मिलेगा और जो सीड का जो कॉस्ट है जो हमारी लाल वाली वैरायटी होती है उसके बराबर ही है। कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं लगाना पड़ रहा, जैसे हमारे क्रॉप जो लगाने का जो खर्चा होता है वो वैसे ही है जैसे लाल वाली लगाते हैं। किसान भाइयों, खर्चे में कोई अंतर नहीं है, खर्चा आपका उतना ही लगना है जितना आप लाल वाली में लगाते हैं, बशर्ते आपको इसका कीमत ज्यादा मिलेगा। अंदर से पीला और जो बाहर से जो पीला है वो अंदर से लाल है, तो एक तो सारा जो किसान भाई है ना, प्रोडक्शन में कभी भी पीछे नहीं है, वो मेहनत पूरी करता है, किसान पैदावार अच्छी कर लेता है, अल्टीमेट किसान उसको आगे किस रेट में बेचता है वो उसका बेनिफिट है। तो इससे एक तो किसान को मार्केटिंग में फायदा होगा कि कोई भी कंज्यूमर है वो अलग जो नई चीज होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जैसे कि ये जो हमने ट्रायल यहाँ लगाया है जो अनमोल और जो विशाखा, तो इसमें क्या था कि जैसे कलर का डिफरेंस है तो कंज्यूमर इसकी साइड अट्रैक्ट होगा, मार्केटिंग में किसान को मदद मिलेगी। तरबूज की नई किस्मों में पोषक तत्व तो भी अलग है और मार्केट वैल्यू भी सामान्य तरबूज से कहीं ज्यादा है। मुनाफा कमाने के लिए सब्जी उत्पादकों के पास तरबूज की खेती में एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। यदि किसान अलग अलग किस्म का तरबूज लगाता है तो उसे मुनाफा तो अच्छा होता है। करनाल से महेंद्र की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और हरियाणा विशेष में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।